Hello, students. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education i welcome you all to join online class now let's start the video dear students in this video we will discuss about chapter safety and homes part first about safety measures in this video we will learn about situations that can hurt us About safety measures, safety at home, safety at school, safety at playground, safety on the road. इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमें कौन कौन सी सिचुएशन में कैसे कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं कौन कौन से रूल्स होम पे स्कूल में प्लेग्राउंड रोड उन पे कौन से सेफ्टी रूल्स जो हैं वो फॉलो करके अपने आप को अवेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स द वर्ल्ड इज ए ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो फील्ड विथ डेंजरस जितना ये ब्यूटीफुल है, है उतना ही डेंजरस भी है डेंजर्स आर सिचुएशंस और थिंग्स विच कैन हर्ट जो हमें हर्ट कर सकती है वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स अराउंड अस एंड लर्न टू बी केयरफुल एंड अवॉइड देम। स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर्स इज बीइंग सेफ नाउ सेफ्टी एट

अपने अडल्ट्स की प्रेजेंस में ही करना चाहिए पुट देम आउट बिफोर थ्रोइंग इन ए डस्टबिन नेवर ट्राई टू इंसर्ट योर फिंगर्स इन ए प्लग पॉइंट जहां पे लाइट्स के जो प्लग लगे हुए होते हैं उनमें अपनी फिंगर्स को इंसर्ट नहीं करना चाहिए नेवर टच डेमेज इलेक्ट्रिकल वायर्स कभी भी वायर्स को जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं डेमेज हुए वायर्स होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए इन्फॉर्म योर एल्डर्स जैसे ही आपको पता चलता है आपको अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए दे विल हैव इट चेंज्ड कि उनको चेंज करना है इन द किचन ऑलवेज बी केयरफुल ऑफ द स्टोव द हॉट यूटेंसिल्स एंड द फूड कुकिंग इन देम डोंट गो near the stove when it is on stove या गैस जैसे ही ऑन हो तो हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए knives, scissors and tools are sharp and can cause cuts ये सब चीजें जो होती है वो शार्प होती है Scissor, knives तो इनसे हमें कट भी लग सकता है हमें हर्ट हो सकता है दे हैव टू बी यूज वेरी केयरफुली इनको जब भी यूज में लेना हो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स और कोई भी शार्प थिंग के साथ खेलना नहीं चाहिए डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनी थिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना चाहिए टेस्ट करने की ट्राई नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन मे बी पॉइजनस फॉर यू बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसमें मेडिसिन होती है और वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है सेफ्टी एट स्कूल इफ यू बी हैव रेस्पॉन्सिबली इन स्कूल एंड फॉलो द रूल्स यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स हम कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं रनिंग अराउंड इनसाइड द क्लास एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क कैन कॉज एक्सीडेंट्स सो हमें क्या नहीं करना चाहिए क्लास में रन नहीं करना चाहिए और डेस्क पे क्या नहीं क्लाइंब चढ़ना नहीं चाहिए डेस्क पे द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प एंड कैन हर्ट बैडली उससे उसके जो कॉर्नर्स होते हैं डेस्क के वो बहुत शार्प होते हैं और वो आपको हर्ट कर सकते हैं बी केयरफुल वाइल्ड क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन ए स्टेयर्स जब भी आप स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाते हो या नीचे की तरफ आते हो तो बहुत ही केयरफुली आना चाहिए नेवर रन और पुश एनी वन किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए और रन नहीं करना चाहिए ए फॉल ऑन ए केस कैन हर्ट वेरी बैडली बी वेरी केयरफुल वेन यू गो टू द साइंस रूम जब भी आप साइंस लैब में जाते हो तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है क्यों क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें टच नहीं करना है नेवर टच टेस्ट और स्मेल एनी थिंग विदाउट आस्किंग योर टीचर बिना टीचर के कहे किसी भी चीज को टच टेस्ट और स्मेल नहीं करना चाहिए ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज ब्लेड्स जो होती है वो आपके यूज लेने के लिए नहीं होती है डोंट यूज देम टू शार्पन पेंसिल पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको ब्लेड्स का यूज कभी नहीं करना चाहिए सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड अब हमें प्ले ग्राउंड में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम सेफ रह सके समाइम्स इन ऑर्डर टू विन ए मेच प्लेयर्स स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड प्लेइंग रफ अपने आप को विन करने के लिए प्लेयर्स क्या करते हैं रूल्स को ब्रेक कर देते हैं और रफली प्लेइंग करते हैं ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ ए गेम रूल्स आर फॉर आर सेफ्टी एंड फॉर अस टू एंजॉय द गेम प्ले द गेम्स इन द राइट स्पिरिट टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड एंजॉय मोर डू नॉट पुश और ट्रिप प्लेयर्स प्लेयर्स को पुश नहीं करना चाहिए और रूल्स के साथ ही हमें गेम प्ले करना चाहिए सेफ्टी ऑन द रोड रोड पे हमें कौन कौन सा सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए रिमेंबर दैट रोड्स आर नॉट मींट फॉर प्लेइंग प्लेइंग ऑन द रोड कैन बी वेरी डेंजरस रोड्स जो होती है वो प्ले करने के लिए नहीं होती है रोड पर खेलना बहुत ही डेंजरस होता है फुटपाथ आर मींट फॉर यू टू वॉक ऑन फुटबॉल फुटपाथ का मीन क्या है कि आप उस पे वॉक कर सकते हो इफ देर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द साइड एंड बी अलर्ट टू द ट्रैफिक इफ यू हैव लर्न टू राइड ए बाइसिकल ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट सिग्नल विथ योर हैंड बिफोर टर्निंग जैसे ही आप टर्न करते हो तो आपको सिग्नल देना चाहिए इफ यू आर इन ए कार यदि आप एक कार में राइड कर रहे हो आप कार में हो तो आपको क्या करना चाहिए वियर सीट बेल्ट हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए क्रॉस द रोड ओनली एट जैब्रा क्रॉसिंग हमेशा जेबरा क्रॉसिंग में ही रोड क्रॉस करनी चाहिए बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट देन योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन क्रॉस द रोड ओनली इफ इट इज क्लियर रोड क्रॉस करने से पहले आपको उसको राइट एंड लेफ्ट देन राइट अगेन इन साइड्स में देख के और जब रोड क्लियर हो तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए यू शुड बी इवन मोर केयरफुल इफ देर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड और जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है रोड पे तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना चाहिए ओबे द ट्रैफिक सिग्नल रिमेम्बर द ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेलरस यू टू गो ग्रीन जो लाइट होती है ट्रैफिक लाइट वो हमें क्या बताती है गो द रेड लाइट टेल यू टू स्टॉप और रेड लाइट क्या कहती है स्टॉप एंड द येलो लाइट टेल यू टू बी रेडी और येलो लाइट हमें ये बताती है कि आपको जाने के लिए रेडी होना है ऑलवेज स्टैंड इन ए क्वी टू बोर्ड ए बस इट हैल्पस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स मैनी एक्सीडेंट्स हैपन वेन पीपल ट्राई टू गेट ऑनर ऑफ ए मूविंग बस हमें कभी भी मूविंग बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए जब तक वो स्टॉप ना हो नेवर ट्राई सच थिंग्स हमें कभी भी इन थिंग्स को ट्राई नहीं करना चाहिए बस के बाहर मूविंग जो बस होती है उसके बाहर अपना हैंड या फेस कुछ भी नहीं निकालना चाहिए इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न और सजेशन प्लीज राइट अस ऑन मैंशन कमेंट बॉक्स वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी बी हैप्पी बी सेफ थैंक यू